हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नेविगेशन ड्रॉअर को क्रिएट किए थे, तो इस वीडियो में हम एक क्लास को क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैकेज नेम पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, न्यू एंड जावा क्लास पे क्लिक करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ ऐसे, सर इज सिंगलटन। ये होने के बाद आपको बस एंटर कर देना है। तो देख सकते हो आप अभी क्लास क्रिएट हो चुके। तो अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट प्रोडक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक्सेस मॉडिफायर दे देता हूँ प्राइवेट लिस्ट, एंड हम यूज करेंगे प्रोडक्ट्स का। एंड प्रोडक्ट लिस्ट इसका नेम दे देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड सेमी कॉलम्स इसको क्लोज कर देंगे, प्राइवेट स्टैटिक एसेसरी सिंगलटन। एंड हम इसका नेम यूज करेंगे एम प्रोडक्ट सिंगलटन। तो मैं एंटर कर देता हूं, एम प्रोडक्ट सिंगलटन एंड सेमी कॉलम्स इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड यूज करना है आपको पब्लिक स्टैटिक जो आपने क्लास का नेम लिखा था, एसेसरी सिंगलटन गेट प्रोडक्ट सिंगलटन। ओके, तो खुद ब खुद आ जाएगा ये। तो गेट प्रोडक्ट सिंगलटन इसको क्लोज कर देंगे हम कंस्ट्रक्टर को, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ एंड एल्स की कंडीशन। इफ एम प्रोडक्ट सिंगलटन इज इक्वल टू नल, तो हम कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे एम प्रोडक्ट सिंगलटन इज इक्वल टू न्यू एसेसरी सिंगलटन एंड सेमी कॉलम्स इसको क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे हम रिटर्न प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो रिटर्न में हम प्रोवाइड करेंगे एम प्रोडक्ट सिंगलटन एंड सेम भी सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। अभी ये होने के बाद अभी आपको ब्रैकेट के बाहर आ जाना है, ये जो रिटर्न के बाहर का ब्रैकेट है इसके बाहर आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको सिंगलटन के नेम से एक मेथड क्रिएट करनी है, प्राइवेट एसेसरी सिंगलटन। एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ब्रैकेट, एंड यहाँ पे आपको एक एक प्रोडक्ट यूज करना है। मीन्स मैं आपको समझा देता हूँ, अगर कोई यूजर आता है तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारी ये जो है एक्टिविटी एसेसरी लिस्ट डॉट एग्जामिन ये ओपन होगी, तो इसमें हमारा रिसाइकलर व्यू रहेगा। ओके, एंड रिसाइकलर व्यू में हमारा क्या रहेगा, एक इमेज शो होगी वहाँ पे एंड कुछ टेक्स्ट व्यू शो होंगे जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किए। तो ये प्रोडक्ट कितने रहेंगे, तो मैं नियर अबाउट 8 प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो हम एक एक क्रिएट करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, प्रोडक्ट P1 इसका आपको नेम दे देना है प्रोडक्ट का इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। तो प्राइस हमें डिफाइन करना होगा, तो प्राइस में हम क्या देंगे, $35 दे देंगे। कॉमा हम नेम प्रोवाइड कर देंगे, तो नेम आपको प्रोवाइड करना है कुछ भी, आप रैंडमली नेम प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हम प्रोवाइड करेंगे ओल्ड फैशन पैकेक्स, कुछ भी हम प्रोवाइड करेंगे। हम लिख देंगे केक्स, इसके बाद आपको कॉमा प्रोवाइड कर देना है। तो कॉमा में हम क्या करेंगे, तो कॉमा के बाद हमें इमेज प्रोवाइड करनी है। ओके, तो हम इमेज कौन सी प्रोवाइड करेंगे, ये जो हमने प्रोवाइड किए थे ईमा 1, तो
ईमावन में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डबल डॉट में नहीं डाले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस शो हो रही है, नेम शो हो रहा है, फोटो शो हो रही है, अभी बाकी है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी इंटर कर सकते हो, जैसे मैं रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ। तो बट आपको ध्यान में रखना है डबल डॉट में ही देना है रेसिपी क्रिएटर, कुछ भी आप देना है रैंडमली, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एंटर कर दिए डिस्क्रिप्शन में। ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। आपको कॉपी ना करते हुए आपको बस कंट्रोल डी प्रेस करना है, आपको यहाँ पे सेमी कॉलम के बाद आना है एंड यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करना है। ओके, बस पी वन की जगह आपको यूज करना है पी टू एंड हम प्राइस भी चेंज कर देंगे इसकी 65 DP एंड इसका नेम भी प्रोवाइड करेंगे फैशंस मिल्टॉट, कुछ भी आप दे सकते हो मिल्टॉट एंड इसकी इमेज हम प्रोवाइड करेंगे ईमा टू। सेम आपको यहाँ पे कंट्रोल डी करते जाना है एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे पी थ्री 45 दे दूंगा मैं एंड यहाँ पे नेम हम प्रोवाइड करेंगे लसंगा एंड इमेज हम प्रोवाइड करेंगे थर्ड। यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन कुछ भी देनी है, अगेन मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। यहाँ पे हम P4, सेम आपको ऐसे P7 तक क्रिएट करना, मैं 7 जल्दी जल्दी ऐसे क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। तो भी आप देख सकते हो अभी हमने कम्प्लीटली वर्क कर दिया, जो भी हमारे 7 क्रिएट करने थे वो कर दिया, बट यहाँ पे एरर शो रहा है। मैं यहाँ पे P7 एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 7 प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए। ओके, तो अभी हमें इसको सेट भी करना होगा। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एंड हम एंटर प्रोवाइड करेंगे एंड ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसको आपको यूज़ करना होगा डॉट एड। तो इसमें आपको P1 को ऐड करना होगा एंड सेमी कॉलम, ऐसे आपको सेम कंट्रोल डी करते जाना है एंड हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे P1 के बाद में P2 बाद में P3 P4 P5 P6 एंड P7। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली एंटर कर दिया। ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसके नीचे आ जाना है। ये जो हमारा एरो है एसेसरी सिंगल टेन के मेथड के बाद में हमें एक पब्लिक लिस्ट का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ पब्लिक लिस्ट एंड इसमें हमने ये जो प्रोडक्ट क्रिएट किया था वही प्रोडक्ट को यूज करना है एरे डाल के। तो प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट लिस्ट, इसमें हमें रिटर्न प्रोवाइड कर देना है रिटर्न प्रोडक्ट लिस्ट एंड सेमी कॉलम से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, एसेसरी सिंगल टन ये जो हमने क्लास क्रिएट किया है इसके टॉप में आना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है एसेसरी सिंगल टन डॉट जावा का। अभी हमें एसेसरी लिस्ट में आना होगा एंड ये जो हमने क्लास क्रिएट की थी इसको डिफाइन करना होगा। तो इसको डिफाइन हम रिसाइकलर व्यू के नीचे कर देंगे एसेसरी सिंगल टन एंड इसका हम नेम प्रोवाइड कर देंगे पी सिंगल टन एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये होने के बाद अभी हम सबसे नीचे में चले जाएंगे एंड यहाँ पे भी उस ये जो सिंगल टन है उसका यूज कर लेंगे।
पी सिंगल टन इज इक्वल टू एसेसरी सिंगल टन डॉट गेट प्रोडक्ट सिंगल टन। इसके बाद इसको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। सेम आपको माय प्रोडक्ट लिस्ट का यूज करना है जो ऊपर में हमने यूज किए थे, इज इक्वल टू पी सिंगल टन डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट, ओके, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है एसेसरी लिस्ट का भी। तो अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट जावा का वर्क करना होगा। इसका कोड हम क्रिएट करने वाले हैं जावा फाइल का। तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।